हेलो गाइस, तो फिर आज हम एक सीरियस बात के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर क्यों हमारे इंडिया में गेम्स नहीं बनती है? और हाँ, मैं यहाँ पर गेमिंग की नहीं, गेम्स की बात कर रहा हूँ। और क्यों इंडिया में सिर्फ इतने बेकार एंड्रॉयड गेम्स ही निकलती है और एक हाई ग्राफिक्स गेम क्यों नहीं निकलती? तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर हम यहाँ पर तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, मेंटेलिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स, रिस्क ऑफ इंडियन गेम डेवलपर और पायरेसी इन इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप एक इंडियन हो तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स को गेमिंग समझ ही नहीं आती है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक खेलने की चीज़ है, तो फिर उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि इससे हम कैरियर भी बना सकते हैं। कुछ पेरेंट्स जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि गेमर नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो ऐसी गेम की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाई रिलेटेड चीज़ देखे तो फिर उनके बच्चों के लिए ज़्यादा भला होगा। और इसी कारण से इंडियन गेम डेवलपर्स गेम नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई पेरेंट अपने बच्चों को वो गेम देगा ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। अभी आप सोचे कि आप एक गेम डेवलपर हो और आप एक गेम बनाने वाले हो, लेकिन आपको ख्याल आता है कि हमारे देश में कोई भी पेरेंट को गेम नहीं खरीद देना है, तो फिर क्या आप वो गेम बनाएंगे? ये एग्जैक्ट सेम चीज हमारे इंडियन गेम डेवलपर के साथ हो रही है। वो गेम बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के मेंटेलिटी की वजह से वो नहीं बना सकते। तो फिर अब गेम डेवलपर्स को गेम बनानी तो है, तो फिर अब क्या करेंगे? तो फिर तब उनको ख्याल आता है कि हमारे देश में हर एक इंसान के पास एक स्मार्टफोन है, एक बच्चे के पास भी स्मार्टफोन होता है। तो फिर उनके पास एक ऐसा बुरा आइडिया आता है कि वो एक बहुत बहुत बुरा एंड्रॉयड गेम बनाएंगे और उसमें इतना ज़्यादा ऐड डालेंगे कि अपने ऐड रेवेन्यू से वो अपने गेम का पैसा वापस ले पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश में कोई ट्रिपल ए हाई ग्राफिक्स गेम नहीं बनती और सिर्फ इतने बुरे एंड्रॉयड गेम्स निकलते हैं। इंडियन गेम डेवलपर्स को पायरेसी का भी डर होता है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखो, हमारे इंडिया में हर एक आदमी जिसके पास कंप्यूटर है, उसमें कम से कम एक गेम जो पायरेटेड है वो हमेशा होगा ही। इवन कि जो अच्छे गेमर्स हैं वो भी पायरेटेड गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो फिर आप उस चीज़ को पे करके क्यों देंगे? इसके सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपने गेम डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर वो एक हाई ग्राफिक्स गेम बना भी लेते हैं तो फिर उसको सारे इंडियंस पायरेटेड करके खेलेंगे और वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पायरेसी की वजह से वो लोग बहुत बेकार फ्री गेम बनाएंगे, वो भी एंड्रॉयड के लिए, ताकि सब लोगों को वो ऑफिशियली प्ले स्टोर से ही खरीदे और उनको कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि अभी करें तो करें क्या? तो फिर अभी सिर्फ एक ही चीज़ किया जा सकता है कि भाई अपने देश के पेरेंट्स को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और गेमिंग के उनको सोच को बदलना पड़ेगा और अपने इंडिया में पायरेसी को जितना कम हो सके इतना कम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से हम अपने गेम डेवलपर्स एक बहुत बढ़िया गेम बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत मिलियनेयर्स है और वो अगर चाहें तो फिर गेम के लिए, गेम प्रोडक्शन के लिए पैसे दे सकते हैं।